हेलो फ्रेंड्स, राधा किचन तड़का में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ फेमस रेसिपी ढोकला। ढोकला हम सभी को बहुत पसंद आता है। आइए शुरू करते हैं ढोकला बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम बेसन। बेसन आप मोटा या फाइन कोई भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सिट्रिक एसिड। आप चाहे तो नींबू का रस भी ले सकते हैं। विनेगर भी यूज़ किया जाता है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप सिट्रिक एसिड ही लें। 2 टेबलस्पून ऑयल। बेसन को हम पहले छान लेंगे। यहाँ हमने बेसन छान लिया है। आज हम ढोकला बनाएंगे खास ट्रिक के साथ। नॉर्मली तो हम पानी में इसे घोल लेते हैं, आज हम मिक्सी के जार में इसका घोल बनाएंगे। यहाँ मैंने चीनी डाल ली, नमक, सिट्रिक एसिड, ऑयल और 1.5 कप पानी डाल दूंगी। अगर आपको लगे आपका बेसन का घोल ज्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें पानी जरूरत के हिसाब से 1-2 चम्मच और डाल सकते हैं। यहाँ देखिए हमारा पानी तैयार है। ऐसा व्हाइट सा पानी हो जाएगा। अब हम इसमें बेसन मिलाएंगे। बेसन हम धीरे धीरे मिलाएंगे। धीरे धीरे बेसन मिलाने से इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और हमारा बैटर बिल्कुल स्मूथ बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह हम सारा बेसन मिला लेंगे। हमने सारा बेसन मिला लिया है और मुझे लग रहा है हमारा घोल थोड़ा गाढ़ा है, इसके लिए 1-2 चम्मच पानी और डाल लेंगे। ये देखिए हमारा घोल परफेक्ट। ना तो हम इसे ज्यादा गाढ़ा रख सकते हैं और ना ही ज्यादा पतला। परफेक्ट घोल बना है। इसे हम 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। यहाँ हमारा घोल रेडी होता है, तब तक हम गैस पर एक भगोना रखेंगे और 2.5 गिलास पानी डालकर गर्म होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं बैटर को। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। आप चाहे तो इनो फ्रूट सॉल्ट भी डाल सकते हैं। अब इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। ये देखिए हमारे बैटर का कलर चेंज हो रहा है। एक ही डायरेक्शन में फेंटने से इसमें एयर बबल्स बन जाएंगे। ये देखिए क्वांटिटी में भी ज्यादा हो गया है। 2 मिनट ऐसे ही फेंटेंगे। अब इसे हमारी स्टीम में डाल देंगे। ये देखिए कितना फ्लफी, कितना सॉफ्ट लग रहा है हमारा बैटर। अगर आप इसे ज्यादा येलो कलर देना चाहें तो आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी डालने के लिए आपको 1/2 चम्मच हल्दी डालनी होगी। मैं यहाँ बिना हल्दी के बना रही हूँ। चलिए अब इसे रख देते हैं। यहाँ हमारा पानी भी गर्म हो गया। अब इसमें एक स्टैंड रखेंगे।
मुखमुरी से कवर करती हूँ। हम इसे 15 मिनट फुल फ्लेम पर पकाएंगे और 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। 25 मिनट हो गए हैं, गैस को बंद करते हैं। लीड हटा कर देखते हैं। ये देखिए हमारा ढोकला तैयार है। अभी हम इसे निकालेंगे नहीं, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। ढोकले के लिए तड़के वाला पानी तैयार करते हैं। इसके लिए कोई भी पैन या कढ़ाई ले, 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून राई, 8 से 10 करी लीव और लंबी कटी हुई 2 हरी मिर्च, इन्हें अच्छे से भून लेंगे। 1 कप पानी डालेंगे। अगर आपको ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा जूसी ढोकला चाहिए, तो आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। यहाँ हमें चीनी घुलने तक पानी को उबालना है और जैसे ही हमारी चीनी घुल जाएगी गैस को बंद कर देंगे। यहाँ हमारी चीनी घुल गई है और हमारा पानी तैयार है। गैस को ऑफ करेंगे। ये देखिए हम इसको एक प्लेट रखेंगे, इसे उल्टा करके। ये देखिए हमारा ढोकला बनकर तैयार है। कितना सॉफ्ट स्पंजी, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल जालीदार ढोकला। इसे कट कर कर देखते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस ट्रिक से बनाएं और बताएं आपका ढोकला कैसा बना। आप कट से ही अनुमान लगा सकते हैं ढोकला कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी, देख रहे हैं आप ढोकला। आप भी बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब हम इसमें डालते हैं तड़के वाला पानी। कितना जूसी स्पंजी ढोकला बनकर तैयार हुआ है। आप ही बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए आपका ढोकला कैसा बना। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप भी बनाइए सुपर सॉफ्ट ढोकला इस ट्रिक के साथ और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए आपका ढोकला कैसा बना। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, 1 लाइक तो बनता है।